हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है ट्यूसडे और आज सप्तमी है, तो आप सभी को हैप्पी सप्तमी। मैं सोच रही थी ना, आज थोड़ा लेट उठूंगी और शांति से बस नींद अपना पूरा करना था, पर 6:30 बजा नहीं था। इतना परेशान किया, मतलब उठने कोई चारा नहीं दिखाया मुझे, मतलब उठना ही पड़ा। इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि चलो मेरे लिए चाय बनाओ। कौन है बताएं? आप सबको तो अभी तक गेस कर ही लिए होंगे। और ये कोई नहीं, मेरा भाई है, बहुत परेशान करता है। कल से आए हैं, तुमको लेके आए हैं, चलो तुम मेरे लिए चाय भी एक कप पिलाओगी नहीं तो क्या करोगी? एकदम से परेशान कर दिया, इसलिए उसको एकदम कड़क सा चाय बना के पिला रही हूँ। एकदम अच्छा चाय भी नहीं मिलेगा, कड़क चाय मुझे पसंद है। क्यों इतना जूम करके कर रहा है वीडियो? बहुत मास है वीडियो करने वालों, तो 100 बार मतलब एक बार वीडियो ऑन किया है और बोलता है नहीं किए हैं, और एक बार मतलब नहीं करके बोला है हाँ तुम बोलते चलो, तो मैं बोल रही हूँ अपने आप ही बोलते जा रही हूँ, पर कुछ वीडियो नहीं था। मतलब परेशान करके रख दिया थोड़ा सा वीडियो, क्या करता था। और सुबह एकदम सोने भी नहीं दिया, मैं कल ही चली जाऊँगी, इसके लिए एकदम नहीं रुकना है। यही मुझे परेशान करता था कि आओ आओ आओ, और आना ही नहीं है, बहुत परेशान करता है। चम्मच खाया बता, कहाँ है चम्मच? ये देखिए, हम लोग का नन्हा सा एक मेहमान आया है, ये देखिए। और ये इतना बदमाश है, मेरी बेटी से भी ज़्यादा बदमाश है ये, पूरा घर घूमते रहता है। छोटो तो जाओ आई के साथ घूम के आओ मंदिर। हम नहीं जाएंगे बेटा अभी, आप जाओ। नहीं गाधी से साड़ी पिंधु ड्रेस पिंधु मामा आए जाओ। मेरा भाई भी जा रहा है अभी कलश लाने के लिए साथ में, तो देखिए रेडी हो गया है। हम कैसा लग रहा है बताइएगा, है ना? कुर्ता बना है मेरा भाई, ये देखिए, वाह वाह। तो बस मैं नहा ही नहीं हूँ, घर सब साफ करी थी, इसका बेडशीट चेंज की, और हम लोग लेट तक सो रहे थे ना, इसलिए घर गंदा था। हम नहीं मतलब बच्चे देर तक सो रहे थे, इसलिए घर गंदा पड़ा था, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते फिर जाऊँगी नहाने। आए ये जाना ही नहीं चाह रही मुझे छोड़ के, माँ कितना कोशिश कर रही है। मामू भी जाओ चुकी है। हम लोग रेडी होकर नहीं निकल पाए, और गलस आ गया, जो भी है जाके मंदिर में प्रणाम करके आए, और आदिया माँ के साथ थी इसलिए मैं नहा ली, और मेरी बेटी भी लेट की, इसी के चक्कर में मेरा लेट हुआ। जल्दी जाओ नहाने, करते करते इतना लेट कर दी, तो आद्या का मुंह उतरा हुआ है क्योंकि यहाँ सब कोई अनजान है। मामा। बोलो मामा दीदू, हाँ मामा दीदू, और किसको पहचानते हो? मामू और आई और दौड़े दौड़े गई थी, कितना पसीना हो गई मैं, बाप रे। अभी हम लोग थोड़ा शरबत वगैरह पियेंगे, चाय बिस्किट सुबह गए थे और नाश्ता नहीं हुआ है, नाश्ता करेंगे। उसको इतना गर्मी लग रहा है तभी से बोले मम्मा रूम चलो रूम चलो, और मैं आज ऐसा क्यों उसको फुल स्लिप वाला ड्रेस बना दी थी, इसलिए भी उसको ज्यादा गर्मी लग रहा है ना। ऐसे से करी सो के क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, मटर आलू की सब्जी और रोटी और साथ में पीठा। ऐसे माँ मुझे पूछ रही थी कि क्या बनाए कल रात नाश्ते में, पूछ रही थी कि सुबह क्या बनाएं, तो मैम बोली कि जो सिंपल होगा सबसे ज़्यादा और कम टाइम में बनेगा वैसे ही बनाओ आप, रोटी सब्जी इस तरह का, पहले पीठा से शुरू करते हैं ना। एक गुड़ वाला है और चीनी वाला कर ला दो, आके ही मैं बैठ गई। मूंगदमी है नहीं, मूंग दाल। आज सप्तमी है तो हम लोग के घर में तो चावल अभी नहीं खाया जाएगा ना, तो वो बलि के बाद होता है। हाँ
बलि के बाद खाया जाता है, इसीलिए माँ बोल रहे हैं कि क्या खाओगे तुम लोग वही हिसाब से रोटी सब्जी। तो आद्या का तो जैसे तबीयत खराब है ना, दो दियो दियो सीटे देना सीटे थो और की तो चावल देवी सेम सेम क्वांटिटी के। आद्या का तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं है ना, तो इसलिए माँ को बोल रही हूँ मैं रोटी वगैरह तो उसको खिला नहीं पाऊंगी। सुबह थोड़ा सा रोटी खिलाई भी थी और अभी दाल लेके जा रही हूँ, दाल चावल यही सब देखे एकदम प्लेन सा खिचड़ी बनाते हैं और उसके साथ चटनी पापड़ जो होगा वो सब हम लोग के लिए हो जाएगा, बस बलि के बाद ही खाएंगे। तो अभी से तैयारी करके रखेंगे तभी जाकर खाया जाएगा, कलश तो आ चुका है तो मैं बनाती हूँ खिचड़ी अभी, मुझे भी टाइम पास हो जाएगा। और अपने दीदू के साथ खेल रही है, एक्चुअली दीदू के साथ दीदू के पास खेल रही है और मैं उधर माँ के पास हूँ। इतना तेज बिजली कड़क रहा है, बाप रे अभी बरसेगा। हाँ ये मिल्क नहीं बेटा, गंदा चीज़ है, ऐसे मुँह में नहीं देते। हाँ खुद दे लिया सीटा बंद। मोर मुह कथाटा भी सरी नहीं, देखो झड़ झड़ किना पड़ी गला। आ गई मेरी बुआ, ये देखिए बाबा। शाम का 6:30 बज चुका है और मेरी बुआ अभी आके पहुंची है तो उनके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, वो आने के बाद चाय पियेंगे और मैं बैठे बैठे यहाँ पर मेहंदी लगा रही थी। उस टाइम माँ को भी नहीं लगा पाई क्योंकि आज इतना ज़्यादा बदमाशी की ना, लगाने ही नहीं थी किसी को, माँ को थोड़ा सा बस शुरू की थी कि निकालना पड़ा माँ को, बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम लोग यहाँ बैठे बैठे अभी चाय पियेंगे। पापा लोग जब छोटे छोटे थे दही का जो दही निकालना मतलब क्या बोलते हैं छाछ निकालना ये सब का काम पापा लोग के लिए बहुत किए हैं, इसलिए पापा लोग थोड़ा ज्यादा ही इमोशनली अटैच हैं। ऐसे हम लोग बड़ी माँ बुलाते हैं, जेठी माँ जेठी माँ। अभी और कुछ नहीं कर पाती हैं पर पापा लोग जब छोटे थे उस टाइम बहुत कुछ करते थे है ना, पापा भी बता रहे थे। और हम लोग का ये बकरी जो है वो कल पूजा में लगेगा इसीलिए उसको लाया गया है आज, और वो पूरा मन भर के चिल्ला रहा है उधर है वो। आदि का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, पता नहीं कब जो ठीक होगा, मेडिसिन तो दे रहे हैं फिर भी उसको ठीक नहीं हो रहा है तबीयत, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। और बच्चों का ऐसा कि जब तक वो लोग मतलब थोड़ा भी ठीक रहेंगे ना कि अपने आप में ही खेलते रहेंगे, दिन भर ना एक मुँह में थोड़ा सा निवाला भी नहीं लिए फिर भी देखिए खेल ही रही है, मतलब मुझे इतना ख़राब लग रहा है ना, अब तो समझ में नहीं आ रहा कि आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। फिर पापा बोल रहे हैं कि अभी शाम को चलो लेके जाएंगे डॉक्टर के पास फिर से दवाई चेंज कराएंगे, पर मैं बोली वो जो दवाई है ना आज एक नया शुरू करवाई हूँ मतलब देना चालू की हूँ, तो देखते हैं आज दिन भर अगर ठीक हो जाए तो सही है, ये तो कल होने से भी लेके जाएंगे। और मैं गई थी बड़े पापा के वहाँ आज, वहाँ पर हम लोग का डिनर था पर वहाँ नहीं खाई, अपना खाना लेके आ गई थी यहीं पर बैठ के खाई हूँ। रुको बेटा लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। तो मेरा तो डिनर हो चुका है और सबको ही वहाँ पर खाने के लिए गए थे और मम्मी भी गई हुई है, मम्मी आ जाएगी कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा वो लोग को लेट होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेटा बाय करो करो, सबको गुड नाइट करो, हाँ गुड नाइट, सो जाओ बेटा। हाँ सो भी गई, देखिए सो भी गई, बाप रे बाप इतना जल्दी कैसे कोई सो जाता है। हम भी सो, हाँ हाँ मम्मा बोलो, हाँ मम्मा सो गए हम, कहाँ सो जाएंगे, बेड में सो जाएंगे, ओके बाय।